आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाया है मैंने साड़ी से पैरदाना यानी डोरमेट। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास साड़ी हो या साड़ी का ब्लाउज हो या दुपट्टा हो या कोई भी कपड़ा हो आप उससे बना सकती हैं, मगर मैंने ये साड़ी से ही बनाया है और लेस से बनाया है। आप किसी से भी इसे बना सकती हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने अपनी साड़ी की लेस है, ये पुरानी लेस है, आप देख रहे हैं। तो इसे भी मैं डोरमेट में लगाऊंगी, तो इसको भी इसकी भी एक रस्सी बना लूंगी। तो ये हमने डबल किया, देखो इसे हम डबल करेंगे। ये मैंने डबल कर लिया। तो इस तरीके से इसे भी हम एक रस्सी बनाएंगे इसकी भी। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है ये रस्सी बनाने का। इसी तरीके से हम रस्सी बनाते जाएंगे। कितने आसान तरीके से मैंने रस्सी बना ली है। ऐसे ही हम बाकी लेस की रस्सी बना लेंगे। इसकी हम रस्सी बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे कि पहले तो छोटी छोटी इस तरह से पटली मारेंगे दोनों। ये मैंने दो हिस्से लिए हैं साड़ी के। अब इसमें इस तरीके से पिन लगा देंगे, सेफ्टी पिन। आपके पास पिन नहीं हो तो आप सिलाई भी इस पे कर सकती हैं इस तरीके से। देखो अब क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों को ही पकड़ लेंगे और छुरा हमारी ये रही। तो देखिए मैंने ये सेफ्टी पिन लगा ली है इसमें। तो अब इसे हम किसी की सहायता ले लेंगे। अगर आप किसी की सहायता नहीं लेना चाहती हैं तो किसी दीवार के कुंदे पर या किसी पर सेफ्टी पिन लगाकर आप बना सकती हैं इस तरीके से। अब इसे हम इस तरह से, देखो ये मैंने इस तरीके से इसमें अंटे देते जाएंगे। दो हिस्सों में हमने लिया है, इसकी चोटी की तरह हम नहीं ऐसे अंटे देकर हम इसकी रस्सी बना रहे हैं। देखो कितनी आसानी से इसकी रस्सी बन रही है। ऐसे ही हम इसकी रस्सी बना लेंगे। तो अब इसकी मैंने ये रस्सी बना ली है। तो इसकी अब ये हमने सेफ्टी पिन लगाई थी उसे निकाल देंगे। अच्छे से इसे अंटे देकर इसकी सिलाई कर देंगे ताकि ये उधरे नहीं जो हमने रस्सी बनाई है वो। सुई के धागे को कट कर देंगे। ये देखो मेरी रस्सी बनके तैयार हो गई है। ये भी मैंने इसी तरीके से बनके तैयार कर ली है रस्सी, लेस वाली जो मैंने इसे मैंने लेस से बनाया है। ये मैंने तीनों रस्सी तैयार कर ली है। अगर आप अंडा आकार का बनाना चाहती हैं तो अंडा आकार का बन जाएगा। अगर आप गोल चाहती है तो गोल भी बन जाएगा इस रस्सी से। तो आपको मैं अंडा आकार का बना के दिखा रही हूँ इस तरीके से। इस तरीके से इतना लंबा करेंगे हम, देखो इतना लंबा, और इसके ऊपर पास इस तरीके से हम ये रस्सी लपेटते जाएंगे। ऐसे ऐसे हम रस्सी लपेटेंगे और अपना डोरमेट बनाएंगे। ये मैंने
रील का धागा लिया है, ये मैंने डबल कर लिया है, इसमें एक नॉट लगा ली है मैंने, देखो इस तरीके से। अब मैं इससे सिलाई करूंगी इसकी। और देखो मैंने इस वाली रस्सी को सिल लिया है, देखो। अब मैं ये वाली रस्सी पीले कलर की जॉइंट करूंगी, इस तरह से जॉइंट करेंगे हम, दोनों में धागा डालेंगे और 3-4 बार इसमें सिलाई कर देंगे। ये रस्सी मेरी जॉइंट हो गई है। तो जैसे हमने ये वाली रस्सी को सिलाया इसमें, सेम उसी तरीके से अंडाकार में इसे सिल लेंगे, इस तरीके से। ऐसे ही अंडाकार के आकार में इसे सिल लेंगे। ये मैंने ऑरेंज कलर का भी इसमें सिल लिया है। तो अब मैं ये जो लेस की रस्सी बनाई थी उसे सिल दूंगी इसी में, इस तरीके से 2-3 बार इसकी सिलाई कर देती हूँ ताकि अच्छे से जॉइंट हो जाए। लेस भी काम आ जाती है, इसे भी कभी उतार के अपनी साड़ी से फेंकना मत। अब इसकी भी हम सिलाई कर देंगे। ऐसे ही इसे भी हम सिल लेंगे। देखो तो यहाँ पर मैंने ये डबल लाइन कर ली है। अब ये हमारी रस्सी बची हुई है, तो इससे मैं क्या करूंगी, इस तरह से इसकी सिलाई करूंगी सीधा करके। सिलाई को हम सीधा करके ही करेंगे। इस तरीके से मैं एक फूल और बना दूंगी इस पे, इस तरीके से एक फूल बना दूंगी। इससे क्या होगा, डिजाइन अच्छी लगेगी। ऐसे ही इसकी सिलाई कर देंगे। ऐसे ही इसे सिल लेंगे। तो ये मेरा डोरमैट बनके तैयार है, मार्केट जैसा मैंने ये पैरदाना बना के तैयार किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।